बार सच बताऊं चीजें बहुत ज्यादा सुधरती दिख रही है मीशो पे। पहले टी शर्ट आ गया हमारे पास में। प्लास्टिक की पैकेजिंग आपको देखने को मिलती है। एक बहुत खूबसूरत ब्लू कलर का ओवर साइज टी शर्ट है। राउंड नेक आपको मिलेगा, शॉर्ट स्लीव मिलेगा। फ्रंट में आपको एक बड़ा सा प्रिंट देखने को मिलता है जहां पर लिखा हुआ है वॉक थ्रू द फायर और नीचे ब्रांडिंग की गई लेटिट्यूड की। ऊपर में आपको फायर देखने को मिलता है और ये जो फायर है ना अपने दिल को आग लगाता है क्योंकि अपने अंदर भी फायर है। अंदर में आपको लेटिट्यूड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये हमने लिया है एक्सेल साइज। आपको बता दूं कि जब भी आप मीशो से कुछ भी खरीदो ना एक दो साइज ऊपर लो क्योंकि मीशो में साइजिंग की इशू बहुत खतरनाक होती है। लेटिट्यूड का आपको टैग मिल जाएगा। वैसे अगर फैब्रिक की क्वालिटी की बात करें ना प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी है। प्रिंट की क्वालिटी भी प्राइस वाइज बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड डेफिनेटली अगर आपको थोड़ा सा फंकी ओवर साइज टी शर्ट पहनना पसंद है डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ कि सारी चीज आप पीछे देख लो। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टी शर्ट भी आता है हमारा एकदम सेम प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ। अंदर में देखोगे तो पूरा सॉलिड एक खूबसूरत ब्राउन कलर का आपको ओवर साइज टी शर्ट देखने को मिलेगा। राउंड नेक मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है। सॉलिड मतलब कहीं भी आपको कोई प्रिंट विंट नहीं देखने को मिलेगा। फैब्रिक की अगर क्वालिटी की बात करें तो लेटिट्यूड वाले फैब्रिक से ना मच बेटर फैब्रिक आपको यहाँ पर फील होगा। सॉफ्ट है, थिक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको कॉम्पोजिशन की कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। अंदर में अगर इसके टैग को देखोगे तो यहाँ पर भी हमने एक्सल साइज लिया है और क्या लिखा हुआ यहाँ पर देखो, आई एम एंड ए मोटा प्ले विथ पॉप कलर। हूँ मोटा, मैं तो गल गया हूँ भाई। ओवरऑल अगर टी शर्ट की बात करें तो चूंकि इसका कलर ब्राउन है बहुत ज्यादा माइल्ड और सटल लगता है। आती टोन है तो बहुत ज्यादा पॉप पॉप कलर नहीं है इसके टैग की तरह। डेफिनेटली जाना चाहो जा सकते हो, प्राइस के हिसाब से मस्त क्वालिटी है। नेक्स्ट जो टी शर्ट हम देख रहे हैं उसकी पैकेजिंग थोड़ी सी भाई कलरफुल है। जहाँ पर आपको थोड़ी मोटी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। 100% कॉटन लिखा हुआ है। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा एक ब्लैक कलर का टी शर्ट एंड इस टी शर्ट की क्वालिटी ना लिटरली वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है पूरे हॉल की। और ऐसे ही होता है मीशो में, जब भी आप खरीदने जाओ ना तो वहां पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे और आप सबको पता है मीशो के प्रोडक्ट के इमेज को देखकर अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि एक्चुअल में उसकी क्वालिटी कैसी निकलेगी जब आप रिसीव करोगे। और पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूं। और इसी चीज को पता लगाने के लिए इन रिव्यूज की जरूरत पड़ती है जहां पर हम आपको बताते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। वैसे अगर इस टी शर्ट की बात करें यहाँ पर भी आपको राउंडिंग मिलेगा, शॉर्ट स्लीव मिलेगा, पूरा ब्लैक कलर का ओवरसाइज टी शर्ट है। फैब्रिक की क्वालिटी सच में इसमें भाई तगड़ी लग रही है प्राइस वाइज। बीच में आपको एक डॉलर का पूरा प्रिंट देखने को मिलेगा जहां पर लिखा हुआ अमीरी। अमीरी इज अ लग्जरी ब्रांड, आपने बहुत सारे रैपर्स को बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पहने देखा होगा, लेकिन ये वो वाला अमीरी नहीं है। बैक की तरफ आपको कोई प्रिंट नहीं मिलता है। एंड डेफिनेटली जो एक्चुअल जादू हो रहा है ना वो इसके फैब्रिक से हो रहा है, इसके प्रिंट से नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखो प्रिंट की क्वालिटी सब में ठीक ठाक होती है। मेजर जो प्रॉब्लम आता है ना सस्ते कपड़ों में वो आता है फैब्रिक के ऊपर, इसमें वो चीज नहीं है। साइड में आपको इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, तो जो भी ये ब्रांड बना रही है ना काम अच्छा कर रही है। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख सकते हो। एंड डेफिनेटली ये मस्ट हैव है, लेकिन इस बार इस टी शर्ट ने ऐसा फील करवाया ना कि नहीं पहनना चाहिए, क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि चीजें हर वक्त अच्छी नहीं होती, नेक्स्ट प्रोडक्ट भी हमारा कुछ इसी तरीके का है। हमने देखा एक ऐसा टी शर्ट जो कि पैक ऑफ टू के साथ आता है, प्राइस सेम उतनी लग रही थी जितना हमने पहले वाले टी शर्ट के लिए दिया। मैंने सोचा भाई एक में उतना दो में भी उतना, लेट्स ट्राई। एक आपको पूरा ग्रे कलर का टी शर्ट मिलता है, एक ब्लैक कलर का टी शर्ट मिलता है और इसके मल्टीपल कलर ऑप्शंस भी वहां पर थे। दोनों टी शर्ट की डिजाइनिंग बिल्कुल ही सेम है, राउंड नेक है, शॉर्ट स्लीव है। सेंटर पे आपको पैच वर्क देखने को मिलेगा, दो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स डिजाइन की गई है और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको दोनों स्लीव्स में भी देखने को मिलेगी। अंदर में आपको बड़ी जेनेरिक सा टैग देखने को मिल जाएगा और एक्सेल साइज हमने लिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये एक्सेल क्या ब्रांड का एम टाइप का लगता है, चलो मान लिया एल है। फैब्रिक की अगर क्वालिटी की बात करें ना नॉट द वेरी बेस्ट, डेफिनेटली चीप फील होता है और ऐसे फैब्रिक्स को ना पहनने से अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा ना पॉलिएस्टरी चिकचिक जैसा पतला सा फैब्रिक होता है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। डेफिनेटली चीजें इंप्रूव हो रही है, लोगो चेंज हो गया, मीशो मैकडॉनल्ड्स जैसा लगने लग गया। नेक्स्ट जो टी शर्ट है हमने आपको कई बार दिखाया हुआ और इस बार भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ब्रांड का नाम है लेटिट्यूड। देखो लेटिट्यूड एक ऐसा ब्रांड है ना जो अदर ब्रांड्स में लेटिट्यूड के नाम से बेचती है, लेकिन मीशो में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा टी शर्ट लेटिट्यूड का है। ये एक और खूबसूरत ब्लैक कलर का ओवरसाइज टी शर्ट है जहां पर आपको ऑब्वियसली राउंडिंग मिलता है, शॉर्ट्स भी मिलता है। अंदर में आपको लेटिट्यूड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अगेन हमने एक्सेल साइज लिया है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन प्राइस वाइज मैं ठीक ठाक कहूंगा। बीच में आपको थोड़ी सी प्रिंट देखने को मिलेगी जहां पर लिखा हुआ है गॉड ऑफ एविल, पनिशर टाइप का फेस बनाया गया है, भूत की मुंडी, और नीचे में आपको लेटिट्यूड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। प्रिंट की क्वालिटी प्राइस वाइज ठीक है, बेस्ट मैं नहीं कहूंगा। नीचे में आपको लेटिट्यूड की अगेन एक और ब्रांडिंग मिल जाएगी और बैक की तरफ एक्चुअल में आपको बहुत बड़ा प्रिंट मिलता है। प्राइस वाइज प्रिंट की क्वालिटी अच्छी मेंटेन करने की कोशिश की है ब्रांड ने। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूं ये सारी चीज आप पीछे देख लो। डेफिनेटली इन फैब्रिक्स को आप
प्रीमियम कैटेगरी में या नॉर्मल कैटेगरी में भी सेट नहीं कर सकते, उससे थोड़ा लोअर ही होगा। लेकिन जिस हिसाब से प्राइसिंग इन्होंने सेट कर रखी है ना, अगर आपको सिर्फ स्टाइल के लिए, अच्छा दिखने के लिए या कुछ दिनों के लिए टी शर्ट पहनना है, बजट कम है, डेफिनेटली इन टी शर्ट के लिए जा सकते हो, कोई बुरी बात नहीं। हम देख रहे हैं एक बहुत खूबसूरत पर्पल कलर का टी शर्ट, जहां पर आपको कोई ब्रांडिंग ब्रांडिंग ब्रांड टैग ऐसा कुछ नहीं मिलता है। राउंड नेक आपको मिलेगा, शॉर्ट स्लीव मिलेगा, और ये भी एक ओवर साइज टी शर्ट हो सकता था जैसा वीडियो में दिख रहा था। मतलब प्रॉपर जो एक टी शर्ट की कटिंग होती है ना, जिससे एक बॉडी में मस्त लुक आता है, वो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ाई भी लग रही है। फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, पतली है, कॉटन आपको फील होगा, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा मोड़ा ब्लेंड तो होना ही है। बीच में आपको एक कार्टून जैसा ना प्रिंट मिलता है, और इसमें प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, कलर्स वलर सारे बढ़िया निकल के आ रहे हैं। मतलब प्रिंट में इसमें अच्छा काम किया गया है, बैक की तरफ आपको कोई प्रिंट नहीं मिलता। एंड ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप पीछे देख लो। प्राइस के हिसाब से देखो, जाना चाहो जा सकते हो, बाकी थोड़ा सा पॉप कलर है, थोड़ा सा सैचुरेटेड कलर है, और साइज को लेकर थोड़ा मोड़ा डर लग रहा है। तो आपको बता दूं कि अगर आप स्लिम फिट विट हो ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक और खूबसूरत लियो ट्यूट का टी शर्ट, जो कि आता है रेड कलर में। अगर इस टी शर्ट की बात करें, पूरा रेड कलर का टी शर्ट है, राउंड नेक है, शॉर्ट स्लीव है, बीच में आपको एक प्रिंट मिल जाएगा जहां पर लिखा हुआ है मेड अबाउट लियो ट्यूट। प्रिंट की डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्वालिटी उतनी उम्दा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी है प्राइस वाइज। साइड में आपको लियो ट्यूट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। फैब्रिक की क्वालिटी अगेन सेम है सारे कपड़ों की तरह, बहुत बुरी नहीं है, प्राइस वाइज देखो अच्छी है। पीछे आपको इसमें कोई प्रिंट नहीं मिलता। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, और जाना चाहो आराम से जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है भाई मियाजी एक्सचेंज, लुधियाना की कंपनी है। ऑब्वियसली आपको राउंड नेक शॉर्ट स्लीव मिलेगा, पूरा ब्लैक कलर का टी शर्ट है, बीच में आपको ना बेब की प्रिंटिंग मिलती है, बहुत अच्छी प्रिंट की क्वालिटी है। पीछे आपको कोई भी प्रिंट नहीं मिलता। फैब्रिक की अगर क्वालिटी की बात करें ना, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक मुझे लग रहा है। अब ये कितने वॉश तक टिकेगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छी क्वालिटी फील हो रही है। अंदर में आपको मियाजी एक्सचेंज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और एल साइज ही हमने लिया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे क्या लगी, अगेन फिटिंग वाली। हमेशा याद रखना, जब भी खरीदना एक दो साइज बड़ी लेना, तब एक प्रॉपर फिट फील कर पाओगे। बाकी ओवरऑल एक बहुत क्लीन, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ टी शर्ट है, जाना चाहो जा सकते हो। नेक्स्ट टी शर्ट इज ब्रांड फ्रॉम मिलानो, एक और ब्लैक कलर का टी शर्ट। इस टी शर्ट की भी बात करें तो आपको मिलानो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एल साइज हमने लिया है, राउंड नेक है, शॉर्ट स्लीव है, लेकिन इसका जो स्लीव है, चूंकि फोटो पे ओवर साइज टी शर्ट दिख रहा था, यहाँ पर ओवर साइज बस आपको इसके स्लीव देखने को मिलेंगे। बीच वाला जो टी शर्ट का पूरा पोर्शन है, वो एकदम नॉर्मल टी शर्ट की तरह है। लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक टेडी बियर के प्रिंट देखने को मिल जाएगी। टी शर्ट के पीछे आपको सेम प्रिंट देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत बड़े साइज में। प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, ओके ओके टाइप का है। बाकी ओवरऑल थोड़ा सा अवॉइड करोगे इस टी शर्ट को तो ज्यादा अच्छा है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप पीछे देख लो और अपना मन घुमा लो। नेक्स्ट है लास्ट टी शर्ट आ गया हमारे पास में, एक और खूबसूरत लियो ट्यूट का टी शर्ट। जितनी बार हमने मीशो की वीडियो बनाई है ना, लियो ट्यूट घुस ही जाता है। लियो ट्यूट की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट है, और इसे हमने लिया है एल साइज। ऐसे इस टी शर्ट को ना मैंने बहुत सारे लोगों को पहने हुए देखा है, मतलब इसके रिव्यूज अच्छे सुने हैं। राउंड नेक मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, पूरा ब्लैक कलर है, इसके मल्टीपल कलर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे साइड पे। लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक प्रिंट मिलता है, जहां पर टाइगर देखने को मिल जाएगा, नीचे छोटू सा लियो ट्यूट लिखा हुआ, और ऊपर में लिखा हुआ है फेयरलेस। नीचे भी आपको लियो ट्यूट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और बैक में भाई इसी प्रिंट को एकदम मैसिव साइज में डाला गया है। प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जो कलर कॉम्बिनेशन यूज हुए हैं ना, क्योंकि ब्लैक कलर का टी शर्ट है, व्हाइट एंड ग्रे में शेर और इसके फॉन्ट मस्त लगते हैं, सिर्फ इसका टंग रेड रेड है, भाई गजब लग रहा है टी शर्ट। बाकी हाँ, आप अपने दिमाग में ये बैठा के चलना कि ये 300 लाइक के टी शर्ट ही है, 1000 वाली क्वालिटी आपको कभी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि एक चीज याद रखो हमेशा, ना बनाने वाला बेवकूफ ना खरीदने वाला बेवकूफ, बस समय की गलती है। तो जिस समय में आप जी रहे हो, जैसे बजट है आपके पास, उस प्रोडक्ट को खरीदने में कभी भी शर्माना मत, हिचक मत करना। बाकी ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। एंड अगर ये वीडियो चली है, मेक श्योर वीडियो लाइक करें, चैनल जाकर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में फॉलो कर लेना। अभी के लिए बाय, जय हिंद।